उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में आज एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए आईटीबीपी ने 10,000 से ज्यादा बेड वाला अस्पताल बनाकर तैयार कर दिया है। इसमें आज से मरीजों का इलाज शुरू किया जा सकता है। ये अब तक का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी को 1 हफ्ते पहले ये अस्पताल बनाने का आदेश दिया था। कर्नाटक में कोरोना प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने पार्टी विधायकों की आज बैठक बुलाई है। इस बैठक में लॉकडाउन लगाने पर फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में लॉकडाउन का फैसला होगा। वहीं विपक्ष लगातार फिर से लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहा है। अयोध्या में बीएचपी की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक अयोध्या के कारसेवकपुरम में होगी। इस बैठक में पूर्वी क्षेत्र के कई बड़े पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। बैठक में राम मंदिर निर्माण से जुड़े विषयों के साथ संगठन के कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में चुनाव करवाए जाने को लेकर राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा जा सकता है। साथ ही राजनीतिक दलों की डिजिटल तैयारियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। संख्या बल के हिसाब से 5 उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। आज सभी के नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 जुलाई को मतदान होगा। बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने आज कुछ बड़ा फैसला करने की बात कही है। मांझी लगातार तेजस्वी से महागठबंधन पर स्थिति साफ करने को लेकर डेडलाइन दे रहे थे। लद्दाख में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस आज शहीदों को सलाम दिवस का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे। राहुल और सोनिया गांधी भी दिल्ली में कई कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने की अपील की है। पायलट ने कहा कि हम सब की मांग है कि राहुल फिर से जिम्मेदारी संभाले। इससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक में अशोक गहलोत ने यही बात कही थी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोरोना संक्रमित खिलाड़ियों की आज फिर से कोरोना जांच की जाएगी। इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले पाकिस्तानी टीम के 10 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकले थे, लेकिन बाद में मोहम्मद हाफिज ने दोबारा जांच करवाई तो निगेटिव निकले थे। इसलिए पीसीबी एक बार फिर से सभी संक्रमित खिलाड़ियों की जाँच कराएगी। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।